नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ बरखा। उत्तराखंड से एक खबर सामने आई है जहां पर मुंबई इंडियन टीम के क्रिकेट खिलाड़ी पीयूष चावला नैनीताल पहुंचे। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी पीयूष चावला अपने परिवार के साथ आज नैनीताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने नैनी झील में बोटिंग करने से पहले बताया कि वो 17 साल पहले नैनीताल के मैदान में एक मैच खेलने आए थे। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए पीयूष ने कहा कि वो अपना पूरा ध्यान आने वाले आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट प्रतियोगिता में लगा रहे हैं। इसी के साथ पीयूष ने बताया कि भारतीय टीम का हिस्सा बनी नई पीढ़ी मेहनत करके अपना खेल सुधार रही है और विश्व कप में अच्छे बैट्समैन और बॉलरों की जोड़ी एक अच्छा परिणाम देगी। आपको बता दें कि इन्हीं सवालों के बीच विराट कोहली के कैची दर्शन को पहुंचने के सवाल पर पीयूष ने कहा कि उनका भी बहुत मन है, लेकिन इस बार समय की कमी के कारण वो नहीं जा पाएंगे। हालांकि अगली बार वो कैची मंदिर के दर्शन के लिए जरूर आएंगे। जानकारी दे दें कि पीयूष अपनी पत्नी अनुभूति, बेटा अद्विक और अपने प्रमोटर शोएब के साथ नैनीताल 2 दिवसीय दौरे पर घूमने आए हैं। हम सबको पता है एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और मैं एक बार यहाँ बहुत पहले आया था, ऑलमोस्ट 17 साल पहले, जब यहाँ पे मैच एक खेलने, तो वही मेरा लास्ट विजिट था। तो बहुत टाइम से प्लान बन रहा था, शोएब भाई से बात हुई, शोएब भाई बोले आ जाओ यार 2 दिन, तो पहुँच गए हम 2 दिन के लिए। देखिए, वो जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं उस बारे में सोचता नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ खेलते रहना और अच्छा परफॉर्म करते रहना। और बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो अभी एक कमबैक को लेके जैसे बात चल भी रही थी, तो वो बहुत दूर की बात है। अभी सिर्फ एक आईपीएल अच्छा गया, उसके बाद अभी डोमेस्टिक क्रिकेट है, काफ़ी कुछ है, तो वो सब पे अभी फोकस है। देखिए, देश के लिए खेलना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है, पर जो चीज़ मैंने बोला कि जो अपने हाथ में नहीं है ना, मैं वो चीज़ सोचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखता हूँ। देखिए, जिस तरीके से हमारा यंग जनरेशन आ रही है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और वर्ल्ड कप जैसे आपने बात की नज़दीक आ रहा है, उसकी तैयारियाँ अच्छी चल रही हैं। हमारे बैटर्स फॉर्म में और बॉलर्स जो हमारे कुछ बॉलर्स वो फिट भी हो जाएंगे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा टीम का। नहीं सर, मैं अभी निकलना होगा, जाने का बहुत मन है, पर मैं कुछ दिन बाद वापस एक ट्रिप बना के आऊँगा और फिर जाने का मैं प्लान करूँगा। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा सबकी पूरी होती है और उनका आशीर्वाद बना रहता है, तो सब अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा भी प्लान है कि मैं जब अभी वापस आऊँगा फिर एक बार चक्कर ज़रूर लगाऊँगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरें और जानकारी जानने के लिए बने रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।